नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बच। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में। हम बात करेंगे कि आपको मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और किस प्रकार से आप अपने मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक मॉक टेस्ट का मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि आपको मॉक टेस्ट देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि ये रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा, इतना आप लोगों को पता होगा। अगर क्वेश्चन व्हाइट है तो आपने क्वेश्चन को देखा नहीं है, क्वेश्चन रेड है तो क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया है, क्वेश्चन ग्रीन हो गया मतलब आंसर दे दिया है, क्वेश्चन अगर बैंगनी है तो आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है मतलब उसको बाद के लिए छोड़ दिया है, और क्वेश्चन बैगनी के साथ एक व्हाइट टिक लगा हुआ है मतलब आपने आंसर तो दे दिया है बट उस क्वेश्चन को जांचने के लिए छोड़ दिया है, रिव्यू करने के लिए अभी बचा के रखा हुआ है, ठीक है। इतने बात का ध्यान रखना है। यहाँ से आप लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, जैसे कि आपने फॉर्म फिल करते समय आपके पास एक ऑप्शन आया होगा कि अदर देन इंग्लिश आपको कौन सा लैंग्वेज देना है, तो आपने हिंदी या कोई और लैंग्वेज दिया होगा तो वही वाला ऑप्शन आपको केवल दो लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। अगर हिंदी दिया होगा तो हिंदी आएगा, इंग्लिश जो होगा वो डिफॉल्ट लैंग्वेज होगा, ठीक है। इंग्लिश में तो आपको क्वेश्चन दिखेगा ही डिफॉल्ट लैंग्वेज में। अब भाई जब एग्जाम स्टार्ट होगा तो आपके पास एक ऑप्शन होगा आई एम रेडी टू बिगिन होगा, तो उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे RRB ग्रुप डी एग्जाम, ठीक है, RRB ग्रुप डी एग्जाम यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका मैथ्स का दिखा तो उसको क्या कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले उन सब क्वेश्चन को बनाइए जिसमें आपको पेन तक ना उठाना पड़े, जो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी से बन जाए। अब जैसे इस क्वेश्चन को है तो इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना होगा फिर बनाना होगा, तो इसमें टाइम लगेगा, इसमें सोचना होगा। तो पहले कुछ जो समय होते हैं, आधा घंटा जो होता है, 30 मिनट जो होता है, उसमें आप कोशिश कीजिए कि जो आसान क्वेश्चन है केवल उनको सॉल्व कीजिए जो जल्दी बन जाए। मतलब पहले 30 मिनट में 50 क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए जो कि बन जाएगा। कैसे बनेगा मैं बताऊंगा अभी आपको। और आखिरी में अगर मान लीजिए कम क्वेश्चन होंगे तो वो भी आसानी से बन जाएगा, जैसे मैं अभी बना के दिखाऊंगा आपको। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हिंदी में आप कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में मैंने कर लिया, अब हिंदी में जो बच्चे होंगे उनको क्वेश्चन आसान दिख रहा होगा, अभी ये आसान क्वेश्चन भी है पर ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसमें पेन आपको उठाना ही होगा, ठीक है। तो मैं पहले सजेस्ट करूंगा कि पेन ना उठाने वाला क्वेश्चन बनाइए। तो इस क्वेश्चन को चाहे तो आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आता है। अब ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बना सकते हैं, मान लीजिए कि ये तो बिना पेन उठाए बन जाएगा तो इसको हमने बना लिया और टिक कर दिया। ये भी बना सकते हैं तो इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए क्योंकि इसमें पेन उठाना होगा, तो मैंने बोला पेन नहीं उठाइए अभी फिलहाल। अब रेल मंत्री पीयूष गोयल किस राज्य के विधानसभा राज्य के लिए चुने गए, तो मान लीजिए कि मुझे लगता है कि महाराष्ट्र या यूपी कुछ भी होगा और डाउट है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मैंने अपना आंसर तो लगा दिया बट मैं क्या करूँगा इसके साथ है मार्क फॉर रिव्यू भी कर दूंगा, ताकि ये मेरा तो आंसर क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया, मतलब ये आंसर मेरा दे दिया मैंने बट मैंने सोचा कि ये गलत भी हो सकता है तो मैंने मार्क फॉर रिव्यू भी किया, तो इसका कोई नुकसान नहीं होता। ये क्वेश्चन कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन आपने बनाया हुआ है, जब फाइनल होगा ना, जब आंसर किया आएगा तो उसमें ये क्वेश्चन को इंक्लूड किया होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए मैथ्स का है, इसको मार्क फॉर रिव्यू कीजिए। अब यहाँ देखिए, विदित गुजराती किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको लगता है ना तो वो आप लगा सकते हैं। मान लीजिए कि ये हो गया, अब इसमें मुझे डाउट है या मैंने सही दे दिया तो इसको आप डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट है, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर रिस्पांस, मान लीजिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ये लगाया तो क्लियर रिस्पांस कर सकते हैं आपको, अगर आंसर नहीं देना है तो क्लियर रिस्पांस कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन को अभी छोड़ना है तो मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए ऐसे करके, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आसान है तो इसको आप बना सकते हैं, ये जल्दी बन जाएगा, टाइम नहीं लेगा, ठीक है, टाइम नहीं लेता है तो इसको आप बना सकते हैं, बट पहले कोशिश करना है कि पेन नहीं उठाइए, बिना पेन उठाए क्वेश्चन बनाइए। अब ये क्वेश्चन है, ये भी बनता, जो क्वेश्चन बनने वाला है ना उसको क्या कीजिए, मार्क फॉर रिव्यू कीजिए ऐसे, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे कि ये सब क्वेश्चन हमसे बनने वाला है। जैसे ये क्वेश्चन 100% बन जाएगा तो इसको चाहे तो अभी भी बना सकते हैं या बाद में भी बना सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है, पर मैं शुरुआत में कोशिश करूंगा कि पेन ना उठाओ, ठीक है ना, बिना पेन उठाए जो जो क्वेश्चन बन जाए उसको बनाइए। जब भी एग्जाम दिया जाता है तो दो फेज में दिया जाता है, पहले फेज में आपको बिना पेन उठाए देना है एग्जाम,
बिना पेन उठाए एग्जाम देंगे तो आप 20 से 25 मिनट में 40 से 50 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। पेन उठा के एग्जाम देना है तो क्या करना है, इजी क्वेश्चन पिक करना है, ठीक है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि मैंने बिना पढ़े क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन अभी पढ़ा नहीं है। या चलती हुई वाहन के टायर से उड़ने वाली मिट्टी किसका एक उदाहरण है, तो किसका एक उदाहरण है, तो ये आप पे मान लीजिए यही आंसर होगा, मैंने दे दिया इसका आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैथ्स का है, इसमें पेन उठाना होगा तो इसको मार्क फॉर रिव्यू कीजिए। तो जितने भी क्वेश्चन है ना, मतलब बिना पेन उठाए उनको पहले बना लीजिए और फिर उसके बाद आप दूसरे फेज में क्या कीजिए, वो सब क्वेश्चन बनाइए जो 100% बनने वाले और जो आसान है, जिसमें टाइम नहीं लगेगा। और तीसरे फेज में आपके पास वही क्वेश्चन बचेंगे जो क्वेश्चन हार्ड है, तो हार्ड क्वेश्चन मुश्किल से 15 क्वेश्चन होंगे या 10 क्वेश्चन होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा, 85 क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा आसान क्वेश्चन। तो आपके अंदर क्या आएगा, एक विश्वास आएगा और आपके अंदर टाइम भी बचेगा, क्योंकि क्या होता है कि हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाते हैं। जब लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो क्या होता है कि किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना, किसी किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में आंसर नहीं देना है तो इसको मार्क को रिव्यू किया, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं तो उसको बना लीजिए। तो मैं बता रहा था किसी को क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अगर हम लाइन बाय लाइन बनाना स्टार्ट करते हैं, और वो टाइम बाद में हमें कम पड़ता है, हम आखिरी तक के क्वेश्चन देख नहीं पाते हैं। कभी कभी होता है एक ही क्वेश्चन में हम एक नंबर का क्वेश्चन है उसमें 4-5 मिनट दे दिए और तब जाके वो क्वेश्चन बना, तो ये क्या होता है, बेवकूफ़ी होता है एग्जाम में। टाइम ज़्यादा है ग्रुप डी में, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना है, बट अगर आप टाइम को सही से यूज़ नहीं कीजिएगा एग्जाम में तो आप ही को जाके दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो मैं फिर से बोल देता हूँ कि पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टाइम को बचाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइम को बचाना है, मतलब बिना पिन उठाए वो क्वेश्चन बनाना है जो बन जाए। उसके बाद जो इजी क्वेश्चन लगते हैं, जो 100% आपसे बन जाएंगे, उनको बनाइए, ठीक है। मैं कुछ भी लगा देता हूँ, मैं देख के नहीं लगा रहा हूँ, उनको बनाइए। फिर उसके बाद क्या कीजिए कि हार्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन के बाद लास्ट में जो 10-15 क्वेश्चन बचते हैं हार्ड वाले, उनको पिक कीजिए। मुझे नहीं लगता कि 10-15 हार्ड वाले क्वेश्चन होंगे, मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं हार्ड वाले जो आपको थोड़ा सा टाइम लगा देता है, ठीक है ना। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हुआ रहेगा 10 क्वेश्चन से पहले, केवल 10 क्वेश्चन में टाइम लगेगा। अब उसमें भी देखिए जो क्वेश्चन आपको आता है बस उसको पहले बना लीजिए, और जिसमें दिमाग लगाना है उसको बाद में बनाइए। तो एग्ज़ाम इस तरह से देंगे तो आपका स्कोर भी ज़्यादा आएगा और आप आसानी से क्वालिफाई भी हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट में यही कोशिश कीजिए, जो क्वेश्चन हार्ड है, जो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है उसको बाद में बनाने के लिए रखिए, जो क्वेश्चन में पेन नहीं उठाना उसको पहले बना लीजिए, जो क्वेश्चन आपसे तुरंत बन जाए उसको दूसरे अटेम्प्ट में बनाइए, और मैंने बता दिया हार्ड क्वेश्चन को तीसरे अटेम्प्ट में बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसके अलावा किसी का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे पूछिएगा। और मैं बता दूं कि अंतिम में जो क्वेश्चन होते हैं 10 क्वेश्चन, वो आसान होते हैं, ठीक है ना। अंतिम के 10 क्वेश्चन क्या होते हैं, आसान होते हैं, और ये सब मैंने बता दिया। ग्रीन मतलब आपने आंसर दिया, रेड मतलब आपने क्वेश्चन को नॉट आंसर किया है, और ये बैंगनी मतलब क्या होता है, बैगनी मतलब क्या होता है, मैंने बताया था बैगनी का मतलब क्या होता है, ये मार्क मतलब आपने जांच करने के लिए रखा हुआ है, और ये मार्क फॉर रिव्यू करते हैं ना, तो ये क्या होता है, इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना, मतलब ये आंसर में आपका जोड़ लिया जाता है। तो मार्क फॉर रिव्यू काफ़ी लोगों को डाउट में था, तो मुझे लगता है कि जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में फंसिएगा मत, जहाँ लगे ये क्वेश्चन में फंसने वाले उसको तुरंत स्किप कीजिए, उसके पीछे लग नहीं जाइए, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन के पीछे लग जाते हैं, इसलिए उनका एग्जाम खराब चला जाता है। और अब सवाल है कि मॉक टेस्ट किसका ले, तो मॉक टेस्ट आपको लेना चाहिए, ये ऑलीबोर्ड का मॉक टेस्ट मैं दे रहा था, तो ऑलीबोर्ड वाले जो होते हैं मॉक टेस्ट कम देते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ, अभी लीव टेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलीबोर्ड का मॉक टेस्ट खोला हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको नहीं देंगे, 10 मॉक टेस्ट देंगे लगभग 200 रुपये में, ठीक है। तो इनका मॉक टेस्ट थोड़ा महंगा होता है बट बेहतर होता है, आप इन्हें ले सकते हैं, बट एग्जाम से पहले ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम के अभी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनका जो मॉक टेस्ट होता है वो एग्जाम के लेवल का होता है, मतलब लगेगा कि रियल आप एग्जाम दे रहे हैं, इस तरह का मॉक टेस्ट होता है। सस्ते में आपको लेना है तो टेस्ट बुक के पास जा सकते हैं, टेस्ट बुक का भी मॉक टेस्ट अच्छा होता है, ये सस्ते में आते हैं और अच्छे मॉक टेस्ट आते हैं। इनके इनमें खासियत क्या होता है, मैं यहाँ आपको शुरुआत से बताता हूँ इनका खासियत क्या होता है, ये चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है।
ग्रेडअप भी अच्छा होता है, बट ग्रेडअप से ज़्यादा अच्छा मुझे टेक्स्ट बुक इसलिए लगता है क्योंकि टेक्स्ट बुक सस्ते में भी देता है और अच्छा टेस्ट देता है, ठीक ठाक देता है, ठीक है। बट इसके मॉक के जो क्वेश्चन है वो आसान है, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए इनका खासियत क्या है कि सबसे पहले फुल टेस्ट दे दिया इन्होंने 41 से, सेक्शनल टेस्ट दे दिया 24 से, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 51 टेस्ट क्या दिया, प्रीवियस ईयर दिया। तो ये प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा देते हैं, इतना मॉक टेस्ट है प्रीवियस ईयर का कोई नहीं देता, और इनका टेस्ट खोजना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो ये चीज़ है, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्ट दे देते हैं। अगर इतना टेस्ट आप बना लेंगे तो अपने आप आपको एक बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि आपको टेस्ट कैसे देना है, ठीक है। तो आप अभी ले सकते हैं टेस्ट बुक का टेस्ट है, और एग्जाम के टाइम ले सकते हैं ऑली बोर्ड का टेस्ट, आपको एक बेहतर तैयारी के लिए, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।